हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज अपन बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस टॉपिक के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, मैक्रोस क्या रहते हैं, फाइल इंक्लूजन क्या रहता है। तो इनको अपन अभी लाइव कोड एग्जाम्पल्स डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी नया वीडियो आएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सी प्री प्रोसेसर्स। सो प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर होते हैं, एक स्मॉल प्रोग्राम रहता है। प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर द कंपाइलेशन। ये क्या होता है, मतलब कंप्लीट एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है अभी के लिए ऐसा समझो आप, और वो क्या करता है, प्री प्रोसेस करता है। जब फाइल अपन लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग फाइल लिखते हैं, डॉट सी फाइल लिखते हैं या डॉट एच फाइल लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, तो उसको प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस करता है मतलब जो कंपाइलर रहता है वो उसको प्रोसेस करता है, उससे पहले जो करता है ना प्रोसेसिंग, वो उसको बोलते हैं प्री प्रोसेस। कंपाइलर से पहले का ये स्टेप रहता है, राइट। और ये एक इंटरमीडिएट फाइल जनरेट करता है, प्री प्रोसेसर डॉट आई फाइल बनाता है। इसका काम ये है प्री प्रोसेसर का, राइट। एंड इसको स्कोप जो रूल रहते हैं अपने, स्कोप ब्लॉक स्कोप, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, उसके ये केयर नहीं करता प्री प्रोसेसर। ये लाइन बाय लाइन जाता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे भी इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मिलते हैं उनको ये पहले प्रोसेस कर देगा। इसके कुछ टास्क हैं प्री प्रोसेसर के, रिमूविंग कमेंट है एक, तो जितने भी कमेंट होंगे ना फाइल में, राइट। मैंने सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट ये बताया है पिछले वाली वीडियोज में, तो वो कैसे लिखते हैं वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी के लिए समझो कि जितने भी अपन ने कमेंट ऐड किए हैं फाइल में, वो सारे कमेंट इनिशियल स्टेज पे ही रिमूव हो जाते हैं। कंपाइलर के लिए उसकी जरूरत नहीं है, जो कमेंट लिखते हैं अपन वो प्रोग्रामर के लिए लिखते हैं, राइट। तो वो रिमूव कर देगा प्री प्रोसेसर। दूसरा इसका टास्क है कि इसमें इंक्लूजन द फाइल, राइट। फाइल इंक्लूजन करता है, जितने भी हेडर फाइल अपन इंक्लूड करते हैं, सो वो सारे हेडर फाइल का इंक्लूजन ये इनिशियल स्टेज पे ही कर देगा। प्री प्रोसेसर का रोल होता है वो मैक्रो एक्सपेंशन, अगर अपन ने मैक्रो ऐड किए प्रोग्राम में तो मैक्रो का एक्सपांड करना, वो सारा काम किसका होता है, प्री प्रोसेसर का रहता है, राइट। और इन इन सब के बीच में ये इसको स्कोप का कोई लेना देना नहीं रखता है, राइट। स्कोप को ये केयर नहीं करता है, स्कोप की कि भाई ये लोकल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, जहां भी इसको मैक्रो मिलेगा वो उसको एक्सपांड कर देगा ये, राइट। तो जो एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है ये, तो जो आई फाइल रहता है ना अपना, जो जो आई फाइल डॉट इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं, डॉट आई रहता है वो कंपाइलर से पहले का स्टेप है, राइट। तो वो बड़ा रहता है, जो नॉर्मल फाइल रहता है ना उससे बड़ा रहता है वो, तो ये ध्यान में रखना, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ये। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ये स्टेप्स है ना अपने जो मतलब डॉट सी फाइल्स हैं, डॉट ई एक्स सी कैसे बनाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है उसका, वो है कि कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि अपन डॉट सोर्स फाइल लिखते हैं, डॉट एच फाइल लिखते हैं या डॉट सी फाइल लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो उसको फिर अपन प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेसर उसमें डॉट आई फाइल बना देता है, फिर उस कंपाइलर का रोल आता है, कंपाइलर फिर उसका असेंबली फाइल बना देता है, राइट, डॉट एस, फिर असेंबलर का रोल आता है, वो उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, डॉट ओ, और फिर लिंकर का रोल आता है, वो सारे ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके डॉट ई एक्स बना देता है, राइट। सो ये पूरा मैंने डिटेल में बताया है और उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो, राइट। और पूरे इसमें पूरे सारे स्टेप्स हैं बिहाइंड द सीन्स वाले, कि इसी प्रोग्राम को एक्सी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट। सो ये आप समझ गए प्री प्रोसेसर का यहाँ पे, कि इसका जो मेन तीन टास्क है इसके, रिमूविंग द कमेंट्स, फाइल इंक्लूजन और मैक्रो एक्सपेंशन, ये इसके तीन टास्क हैं, राइट। और ये स्कोप की केयर नहीं करता, राइट। और ये जैसे ही अपन उसमें अपने फाइल में लिखते हैं हैश लिखते हैं, राइट, हैश मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे ही इंक्लूड करते हैं तो वहां से लेके ये अपने लास्ट तक रहेगा, राइट। जब तक प्रोग्राम का एंड होगा तब तक इसका ये रहता है वहां पे फाइल में, राइट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसके लिए समझो कि फाइल में जहां भी अपन ने हैश लगाया है, सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से स्टार्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कंपाइलर को बताते हैं कि भाई ये इन ये जो लाइंस हैं इनको आपको प्री प्रोसेस करना है, राइट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या बताते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं कंपाइलर को, डायरेक्ट करते हैं कि आपको इन लाइंस को मतलब प्रोसेस करना है, राइट। और ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं हैश से स्टार्ट, हैश। सो जहां पे भी हैश आएगा फाइल में, तो वहां पे ये कंपाइलर को बता देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कि भाई इस लाइन को आपको पहले प्रोसेस करना है, इसको कंपाइलर से पहले प्रोसेस करना है, इसका जो भी टास्क है, राइट, कि फाइल इंक्लूजन का है, मैक्रो एक्सपेंशन का, इसके बहुत सारे टाइप्स है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के, राइट। मेनली चार में डिवाइड किया है इसको, मैक्रोज में किया है, फाइल इंक्लूजन में किया है, कंडीशनल कंपाइलेशन में किया है, और अदर डायरेक्टिव्स है कुछ तो उनमें किया है, राइट। जैसे हैश प्राग्मा, वंस आपने देखा होगा हेडर फाइल्स में,
हैश अन डेफ देखा होगा, राइट, हैश इफ डेफ देखा होगा, हैश डिफाइन देखा होगा, हैश इंक्लूड देखा होगा, तो ये सारे माइक्रो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, राइट। सो इनको डिवाइड किया इन कैटेगरीज में, माइक्रोज में, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और अदर डायरेक्टिव्स में। सो इन सबको ये क्या करता है, पहले ही प्री प्रोसेस करता है, और ये सारे जितने भी हैं ना ये हैश से स्टार्ट होते हैं, ये हैश से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो इसका ये काम है। दूसरा है कि कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्राम में कहीं भी हो सकते हैं, इस स्कोप का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, राइट। और ये कंपाइलर को बोलते हैं इसको प्री प्रोसेस करना है, ये हैश सिंबल है अपना, इससे स्टार्ट होते हैं जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, और ये प्री प्रोसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ लाइक बिफोर द कंपाइलेशन, राइट। अभी अपन बात करते हैं मैक्रोज की, अब डिटेल में बात करते हैं मैक्रोज क्या होते हैं, राइट। सो इन्हीं की एक कैटेगरी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की एक कैटेगरी है मैक्रोज। मैक्रोज में क्या क्या होते हैं, मैक्रोज में होते हैं हैश डिफाइन, राइट, हैश डिफाइन अपन देखा होगा, उसके बाद में उसको टोकन देते हैं और फिर वैल्यू देते हैं, राइट। सो मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी रन करके दिखाता हूँ मैक्रोज वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हेडर इंक्लूजन वाला, मैं आपको फाइल इंक्लूजन वाला में इसका दिखाऊंगा, राइट। और ये हैश डिफाइन है, हैश डिफाइन क्या करता है कि लिमिट को डिफाइन करेगा किससे, फाइव से, लिमिट का वैल्यू फाइव होगा यहाँ पे, राइट। और जहां पे भी लिमिट देखेगा, हैश डिफाइन मतलब जहां पे भी लिमिट देखेगा, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस लिमिट को जहां जहां लिमिट आएगी प्रोग्राम में आगे, वहां पे फाइव से रिप्लेस कर देगा उसको, इनिशियल स्टेज पे ही फाइव से उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे है, राइट, ये लिमिट है, तो यहाँ से ऑलरेडी फाइव आ जाएगा यहाँ पे, जब अपन डॉट आई फाइल में देखेंगे ना, तो वहां पे फाइव होगा, वहां पे लिमिट नहीं मिलेगा अपने को, राइट। जैसे यहाँ पे एरिया है, ये कुछ टाइप है इसके कि किसने फंक्शन भी होते हैं, राइट, फंक्शन भी अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरिया और एल कॉमा बी है, राइट, एल और बी इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये अपन पास कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो जहां पे भी एरिया और एल इंटू बी होगा, ये वाला होगा, वहां पे उसको किससे रिप्लेस कर देगा, एल इंटू बी से कर देगा रिप्लेस ऐसे, और ये बिफोर द कंपाइलेशन कर देगा, राइट। इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया एल इंटू बी है ना, ये टेन इंटू फाइव है, राइट, टेन और फाइव है, तो इसको किससे कर देगा, एल में चले जाएगा टेन, और फाइव चले जाएगा इसमें बी में चला जाएगा, सो एल इंटू बी हो जाएगा ये, और उसके बाद में इसको यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ये। मतलब ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे ही प्री प्रोसेसर इसको रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना कि भाई ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वहाँ पे मतलब फंक्शन में कैलकुलेट होके आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ये पहले इसको कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ पे 10 इंटू 5 और ये ब्रैकेट, ये सब यहाँ पे ऐसे कैसे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। प्री प्रोसेसर का काम रहता है एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट होता है इसका काम, ये कुछ इसमें मॉडिफाई या कुछ मतलब वो नहीं करता, राइट। तो ऐसे कैसे यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली यूज करना प्री प्रोसेसर्स को, ये जो अपने मैक्रोज हैं इनको, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, गलत आउटपुट भी अपन मिल सकता है अपने को, लाइक अनडिफाइंड बिहेवियर भी मिल सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे रिप्लेस करेगा, ये कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं करता है, राइट। और जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे यूट्यूब है, तो यूट्यूब जहाँ भी यूट्यूब मिलेगा ना, ये वाला वर्ड ये केस सेंसिटिव रहता है, राइट। तो यहाँ जहाँ पे भी यूट्यूब मिलेगा, वहाँ पे उसको किससे रिप्लेस कर देगा, फॉलोअर्स से। यहाँ पे ये है ना, ये अपना डबल है, राइट, फॉलोअर्स है। अब मैंने यहाँ पे फॉलोअर्स को मैक्रो कर दिया, अब जहाँ पे भी फॉलोअर मिलेगा वहाँ पे 150 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो आप, पहले यूट्यूब है वो फॉलोअर्स से रिप्लेस होगा। यहाँ पे देखिए आप, एक एग्जांपल लिया मैंने ये वाला, राइट। सो यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब किससे रिप्लेस होगा, फॉलोअर्स से। अब सेकेंड लाइन में क्या है, यहाँ पे सेकंड लाइन में है कि जो फॉलोअर है वो 150 से रिप्लेस हो रहा है, 150 से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ से जो फॉलोअर होगा ना, यहाँ पे फॉलोअर आ गया है, अब फॉलोअर किससे रिप्लेस होगा, 150 से रिप्लेस होगा, राइट। तो ये 150 से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट। सो ये हो गया। उसके बाद में मल्टी लाइन मैक्रोज देख लो आप, ये मल्टी लाइन मैक्रोज है। अगर मल्टी लाइन करना है तो आपको क्या करना है, ये बैक स्लैश देना है, राइट, बैक स्लैश लगाना है इंटरमीडिएट लाइंस में। तो ये और इसको ऐसे अपन इसको मल्टी लाइन मैक्रोज भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, तो ये मल्टी लाइन मैक्रोज भी होते हैं ऐसे, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फंक्शन है, राइट, तो गेट नेम वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखिए आप, गेट नेम है और वेर, तो ऐसा जहाँ भी आएगा ना वहाँ पे क्या होगा, ये हैश और ये वेर, ये रिप्लेस हो जाएगा। और हैश बेसिकली क्या करता है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंगाइजिंग भी बोलते हैं, कि ये जो वेरिएबल है ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया अपना। जहाँ पे भी गेट नेम और वेर होगा, ये इसको ऐसे कैसे उठा के किस में कर देगा, हैश वेर में। और हैश वेर क्या है, हैश क्या करता है, इसको जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंगाइज कर देता है, राइट। तो यहाँ पे जो आएगा ना वेरिएबल में वैल्यू, उसको ये क्या कर देगा, स्ट्रिंगाइज कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा उसको। यहाँ से कॉनकेट,
कॉन्केट के लिए अपन डबल हैश यूज करते हैं, जहां पे भी अपने को ऐसा मिलेगा राइट, उसको ये क्या कर देगा, ए और बी को कॉन्केट कर देगा। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, इसको मैं रन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे गेट नेम देखिए, गेट नेम में माई वेयर है, माई वेयर में यहाँ पे क्या है, इंटीजर माई वेयर राइट, ये माई वेयर है। अब ये माई वेयर कहाँ पे जाएगा, ये हो गया समझ गया, गेट नेम आ गया, फिर ये फंक्शन पैरामीटर लाइक ऑपरेटर्स हैं और उसके बीच में वेरिएबल है, इसमें क्या आ जाएगा माई वेयर। अब माई वेयर इसमें आ जाएगा यहाँ पे राइट, वेयर में हैश माई वेयर हो जाएगा, तो हैश से क्या करेगा उसको स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंगाइजिंग कर देगा ये राइट, स्ट्रिंग बना देगा उसका, तो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। तो इससे अपन मतलब वेरिएबल का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं राइट। वेरिएबल का आपने अभी तक देखा कि वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू अपन वेरिएबल का नेम प्रिंट करेंगे राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसको कॉन्केट कर रहे हैं, कॉन्केट ये जो भी होगा ये ए और बी यहाँ से लेगा और उनको दोनों को क्या कर देगा, कॉन्केट कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ए हैश हैश बी हो जाएगा राइट, ए क्या है एक्स है, बी क्या वाई है राइट। और ये यहाँ पे एक्स और वाई भेज रहे हैं अपन यहाँ पे राइट, ए में एक्स आ जाएगा, बी में वाई आ जाएगा, तो एक्स और वाई को कॉन्केट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा ये राइट, रिप्लेस्ड बाई एक्स, और ये इससे रिप्लेस होगा, और इसको क्या कर रहे हैं अपन, ये क्या कर रहा है, कॉन्केट कर देता है इसको, तो एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 है, और ये एक्स वाई का जो वैल्यू, ये कब चाहिए होगा, ये कंपाइल टाइम पे चाहिए होगा, और ये सारा जो प्रोसेस रिप्लेसमेंट का हो रहा है, ये हो रहा है बिफोर द कंपाइलेशन राइट। सो आप ये समझ गए, और ये कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं, फाइल डेट टाइम लाइन राइट, फाइल करता है किस फाइल में अपन है, डेट क्या डेट है, ये सिस्टम डेट शो करता है, सिस्टम टाइम शो करता है, लाइन नंबर किस लाइन पे अपन है। तो मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको इस प्रोग्राम को, ये देखिए आप राइट, और ये बहुत फास्ट हुआ राइट, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे ही कर दिया इसने सब कुछ, कमाल जो भी था राइट। लिमिट है 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट की जगह 5 हो जाएगा, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा। दूसरा रेक्टेंगल का एरिया, एरिया 10 × 5, यहाँ पे देखिए आप 10 और 5, ये 10 हो जाएगा एल बी, ये 5 हो जाएगा, ऐसे कैसे वहाँ पे रिप्लेस होगा, कंपाइल टाइम पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 करेक्ट। और यहाँ पे देख 150K फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब राइट। सो मैंने बताया था ये कि मतलब सीरीज ऑफ द मैक्रोज राइट, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा राइट, यूट्यूब पहले फॉलोअर्स से हुआ, फिर फॉलोअर फिर डेट से रिप्लेस हुआ राइट, तो ये समझ गए आप। उसके बाद में मैंने एक ये वाला एग्जांपल बताया आपको, मल्टी लाइन कमेंट वाला राइट। तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये जो ई एल ई है राइट एलिमेंट, वो मल्टी लाइन कमेंट से रिप्लेस होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट से रिप्लेस होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक अरे बन जाएगा, क्योंकि कॉमा लगा रखा अपन ने राइट। सो ये हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद में वेरिएबल नेम अपन ने प्रिंट किया, मैंने बताया था आपको कि हैश के थ्रू अपन इसको स्ट्रिंगाइजिंग करके मतलब वेरिएबल का नाम भी अपन प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट वाला था अपना कॉन्केट वाला, वो देखो एक्स वाई 30 आ गया। ये 30 कैसे आया राइट, ये 30 इसलिए आया क्योंकि एक्स और वाई है राइट, यहाँ पे ये है वो किससे रिप्लेस होगा, ये होगा रिप्लेस इससे, एक्स हैश वाई राइट, और ये क्या कर रहा है, इसको कॉन्केट कर दे रहा है डबल हैश, तो ये एक्स वाई बन जाएगा। और कंपाइल टाइम पे एक्स वाई का वैल्यू क्या देखेगा, कंपाइल टाइम पे एक्स वाई देखेगा कि ये वेरिएबल इसका वैल्यू क्या है, 30 है, तो इसलिए 30 प्रिंट होगा ये करेक्ट। ये कॉन्केट, ये कुछ वर्ड है, इसका कुछ यहाँ पे रोल नहीं है। अभी मान लो इसको ऐसे समझो आप, अगर ये एक्स और वाई है ना ये भी, तो इसको भी अगर अपन यहाँ पे भी चेंज करता हूँ मैं कॉन्केट, अभी अभी समझो आप, अभी मैंने क्या किया, ये अपना ले लो, कुछ भी ले लो राइट, ये कॉन्केट की जगह मैंने फन नाम दे दिया यहाँ पे, और ये क्या किया मैंने, फंक्शन मैक्रो बनाया है, इसको बोलते हैं फंक्शन मैक्रो राइट। अब फंक्शन मैक्रो में क्या करेगा, ये फंक्शन मैक्रो जहाँ पे देखेगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और देखेगा अच्छा फंक्शन मैक्रो है, और उसका रिप्लेसमेंट क्या है, ए हैश एस बी है राइट। सो ए हैश एस बी, ए में क्या जाएगा एक्स, बी में क्या जाएगा वाई, और ए एक्स और वाई यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और बाद में ये इसको क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है राइट, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से ये 30 प्रिंट हो रहा है, यहाँ से ये 30 प्रिंट हो गया राइट। और ये अब ये नीचे वाला देख लो, फाइल करंट फाइल, ये जो फाइल मैक्रो है इसमें ये फाइल का नाम प्रिंट कर देगा, डेट ये डेट प्रिंट कर देगा, ये करंट टाइम प्रिंट कर देगा, और ये लाइन नंबर प्रिंट कर देगा। तो जहाँ भी आपको अगर लॉगिन करना है या कहीं पे भी अपने को फाइल नेम डेट नेम डेट या टाइम या लाइन प्रिंट करवाना है, तो इन मैक्रोज को अपन यूज करते हैं, ये प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं जिनको अपन यूज करते हैं राइट। सो ये बताया मैंने मैक्रोज के बारे में राइट। अभी आगे देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं राइट, क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से होते हैं, इसमें रहते हैं हैश डिफाइन होते हैं राइट,
ये मैक्रोज में आता है, हैश अनडिफाइंड होते हैं, जैसे डिफाइन किया अपन ने उसको अनडिफाइंड भी करना पड़ता है, राइट। हैश इंक्लूड रहते हैं, इफ डेफ रहते हैं, इनके कैटेगरीज हैं, जैसे ये फाइल इंक्लूजन में आते हैं, राइट, ये कंडीशनल में आते हैं और ये मैक्रोज में आते हैं। यहाँ पे मैंने चार कैटेगरी बताया ना आपको, मैक्रोज, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और अदर डायरेक्टिव। अदर में आते हैं हैश, अनडेफ एंड प्रैग्मा वंस, राइट, ये सारे किस में आते हैं, अदर वाले में आते हैं, ये चार कैटेगरी में बांट रखा है इनको। फाइल इंक्लूजन की बात करते हैं अपन, सो फाइल इंक्लूजन वाला एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, कि फाइल इंक्लूजन में क्या करते हैं अपन, एक हेडर फाइल लिखते हैं या कोई सा भी फाइल, अगर उसको अपने को इंक्लूड करना है, राइट, अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करना है तो अपन इसका यूज करते हैं हैश इंक्लूड। ये आप शुरू से देख रहे होंगे, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड है, मल्टीपल मल्टीपल टाइम देखा हुआ, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू अपन इसको इंक्लूड करते हैं फाइल को, राइट, फाइल इंक्लूड करते हैं इसको, right, has include, used to include a file in the source code program, correct। तो इसमें क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है कि ये जो ब्रैकेट रहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इनको, इनके अंदर जो भी फाइल का अपन नाम लिखते हैं, राइट, और एक होता है डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ये दो तरीके से अपन इंक्लूड करते हैं फाइल। सो अगर आपको स्टैंडर्ड मतलब हेडर फाइल अपना, राइट, सी प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड किया है, अगर उसको करना है तो उसको अपन एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या करता है कंपाइलर, अगर एंगुलर ब्रैकेट देखता है हैश इंक्लूड के साथ, तो ये क्या करता है, जो स्टैंडर्ड लोकेशन है ना अपना, जहाँ पे अपने सी प्रोग्रामिंग है, तो वहाँ से इसको देखता है, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड हेडर फाइल, राइट, यहाँ पे देखता है। लेकिन अगर अपन ने अपना खुद का यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, राइट, और उसको अपन ने जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे अपना ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे रखा है उसको, राइट, उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर रखा है, तो वहाँ देखेगा इसको ये, अगर अपन ने इसको डबल कोट में दिया है तो इंक्लूड द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। तो यूजर डिफाइंड के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें डबल कोट में देते हैं, और जो स्टैंडर्ड है हेडर फाइल उनके लिए अपन क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में देते हैं। सो इसके दो तरीके हैं फाइल को इंक्लूड करने के लिए, राइट। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने STDIO है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसमें जो प्रिंट है, स्कैन है, ये सारे इसी में रहते हैं। और ये myheader.h है, myheader.h में मैंने क्या डिक्लेयर किया, ये myval है, ये इसको मैंने डिक्लेयर डिफाइन किया है myval को, myval एक वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, इस फाइल में कहीं भी इसका डिक्लेरेशन नहीं देखोगे आप, राइट। मैंने आपको जो स्टोरेज क्लास बताई थी और एक्सटर्न बताया था, और स्टोरेज क्लास के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अपन फाइल किसी वेरिएबल को, फंक्शन को दूसरी फाइल में भी डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्या किया मैंने, माई हेडर बनाया एक फाइल, माई हेडर फाइल है, तो ये दूसरा फाइल है, राइट, माई हेडर वाला ये। यहाँ पे मैंने इसको जो वैल्यू है माई वैल्यू, इसका मैंने एक्सटर्न यूज किया, ये मैंने स्टोरेज क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, वहाँ पे कौन कौन सी स्टोरेज क्लास रहती है, एक्सटर्न है, राइट, रजिस्टर है, अपना स्टेटिक है, राइट, ऑटो है। सो वहाँ पे मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और एक्सटर्न के थ्रू अपने इसको विजिबिलिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। अभी के लिए समझो कि मैंने एक्सटर्न का यूज किया है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का, और यहाँ माई वेल को डिक्लेयर किया है, और उसको यहाँ से डिफाइन किया है, और इसमें 11 वैल्यू डाला है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा जो मेरा जो है फाइल है डॉट सी फाइल है, उसमें मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो माई वेल है, यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। और इस फाइल को मैं जो माई हेडर डॉट एच है, इसको कैसे इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ इंक्लूड में इससे, हैश इंक्लूड लगा के, हैश इंक्लूड माई हेडर और ये, करेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ आपके लिए, ये देखिए माई वैल्यू इज 11, राइट, ये 11 प्रिंट हो गया, और ये 11 कहाँ से आ रहा है, दूसरे फाइल से, जिसको अपने इंक्लूड किया। सो ये क्या करेगा, जो जो ये वाला पोर्शन है अपना हैश इंक्लूड, ये क्या करेगा, इसका जो भी डेटा है ना माई हेडर वाला, इसको ये पूरे के पूरे को इसमें रिप्लेस कर देगा फाइल इंक्लूड में, यहाँ पे डॉट आई फाइल में सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। ये होता है प्री प्रोसेसर का काम, कि यहाँ से उसको उठा के इसको पूरे के पूरे को, और ये इसमें यहाँ पे डाल देगा, करेक्ट। तो ये हो गया। अभी अपन बात करते हैं ये जो कंडीशनल वाले हैं, राइट, कंडीशनल कंपाइलेशन वाले जो भी मैक्रोज हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो कंडीशनल वाले में कौन कौन से आते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, कंडीशन देते हैं, राइट, इसमें सारे कंडीशन इवेल्युएट कर सकते हैं अपन, ये हैस इफ डेफ, इफ एंड डेफ, यानी कि नॉट डिफाइंड, राइट, इफ एल्स एंड इफ, ये सारे हैं, इनको अपन कंडीशनल वाली कैटेगरी में डालते हैं। इसका भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये देखो कि मैंने इसको डिफाइन किया वैल्यू को, राइट, 7। अब वैल्यू अगर 7 डिफाइन कर दिया, तो वैल्यू जहाँ पे भी वैल्यू आएगी आगे इसके बाद में, वहाँ पे 7 हो जाएगा, राइट, ये 7 देखेगा। अब इफ, इफ मतलब कंडीशन चेक करेगा, राइट, हैश इफ है ये कंडीशनल की कैटेगरी में, तो कंडीशन चेक करेगा 7 2000 ये 200 से बढ़ाएगा, नहीं गलत है, राइट, तो इसके अंदर नहीं जाएगा इफ में, राइट।
अब इफ अनडेफ तो क्या करो, इसको अनडिफाइन कर दो। अब इसको क्या किया मैंने, अनडिफाइन कर दिया यहाँ पे एस अनडेफ, राइट। अनडेफ किया मैंने यहाँ पे वैल्यू को, अब उसको वापस से डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि वैल्यू को अब मैंने कर दिया कितना ये 200 कर दिया, राइट। लेकिन ये इफ के अंदर की कैटेगरी है, राइट। ये समझो, ऐसा समझो कि इफ ब्लॉक है, इफ से लेके एल्स इफ तक या एंड इफ तक इसके नीचे जितने भी आएगा उसमें ब्लॉक रहेगा। लेकिन इसके बाद में जैसे ही देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे एल इफ आ गया, राइट। एल इफ मतलब एल्स इफ आ गया। एल्स इफ में कंडीशन क्या है, ये वाली है करेक्ट, कि ये लेस देन 50 है, यस 7 इज लेस देन 50, राइट। सो ये इसको अनडिफाइन करेगा वैल्यू को, और इसको वापस से डिफाइन करके क्या कर देगा, इसको 50 कर देगा, राइट। अब यहां से इसके अंदर आ गया एक बार, तो अब ये सेकंड वाला नहीं चलेगा क्योंकि ये एल्सिफ की जैसे ही काम कर रहा है, जो ये वाला जो कंडीशनल मैक्रोज है, कंडीशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये एल्सिफ की जैसे ही काम करते हैं, राइट। अब एंड इफ इसके बाहर आ जाएगा, उसके बाद में देखा कुछ नहीं है, मेन में जाएगा, और यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 50 होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और बाद में कंपाइलर इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखो वैल्यू 50। वैल्यू 50 क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू 7 है स्टार्टिंग में, राइट। फिर उसके बाद में कंडीशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वहां पे कंडीशन चेक करेगा, सेकंड वाला कंडीशन मेट हो रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है, तो ये क्या है, 7 इज लेस देन 50, उसके अंदर जाएगा, वैल्यू को अनडिफाइंड करेगा, उसको वापस से डिफाइन करेगा, इसको क्या कर देगा, 50 कर देगा, और यहाँ से 50 फिर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और उसको अपना प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये हो गए कंडीशनल वाले। कंडीशनल वाले में ये सारे हैं, राइट। इफ डेफ, इफ नॉट डेफ, राइट। अगर नॉट डिफाइन है तो वो उसको चेक करने के लिए, इफ है यूज टू इंक्लूड अ सेक्शन ऑफ कोड इफ सर्टेन मैक्रो इज नॉट डिफाइंड बाय हैज डिफाइन, राइट। डिफाइन है तो वो वाला, फिर इफ वाला है, एल्स वाला है, एंड इफ वाला है, ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट को, कंडीशनल कंपाइलेशन के काम आते हैं। अब ये एक फोर्थ वाला है अपना, अदर डायरेक्टिव्स। अदर में कौन कौन से आते हैं, हैज प्राग्मा वंस और ये हैज अनडेफ, राइट। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लिया था, राइट। हेडर फाइल में आपने देखा था यहाँ पे कि मैंने डाल रखा है हैश प्राग्मा वंस। ये क्या करेगा कि किसी भी फाइल में इसको एक बार ये ऑलरेडी मतलब इंक्लूड हो गया है तो उसमें दोबारा इंक्लूड नहीं होगा, ये दोबारा इस कोड को वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, राइट। ये वाला मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाया था मैंने आपको फाइल वाले में, कि यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया था, अगर इसको दोबारा करूंगा तो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये इसका रोल होते हैं, राइट। अभी बात करते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मैक्रोज। सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो मैक्रोज से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मैक्रोज कैन सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर बाय ऑटोमेटिंग द रिपीटेटिव टास्क। अगर कुछ छोटा मोटा रिपीटेटिव टास्क है, एक होता है फंक्शन भी अपन लिख सकते हैं कि अपने को मल्टीपल कोड को अगर रिपीट रिपीट करना है, वापस से बार बार उसको यूज करना है, तो अपन फंक्शन बना दो, फंक्शन ब्लॉक उसको यूज करते रहेंगे। एक अपन इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैक्रोज के थ्रू भी, अगर अपने को इनलाइन फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, राइट। मैंने अभी आपको वो बताया था मल्टीप्लाई वाला और वो एरिया वाला और वो कॉन्केट वाला, राइट। ऐसा अपन बना के छोड़ सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी है, राइट। ये क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे रिप्लेस हो जाएंगे, तो कंपाइल टाइम पे अपने को कुछ भी मैजिक देखने को नहीं मिलेगा, राइट। एफिशिएंट है, ईज ऑफ यूज है, ईजी है यूज करने के लिए, राइट। आसानी से इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ये छोटा मोटा टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकता है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने इसके थ्रू, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे इतने इसके एडवांटेजेज हैं, राइट। ये इसमें से आप याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हो इजीली, राइट। और इनके कभी कभी ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि माइक्रोज क्यों यूज करना चाहिए, तो उसके इसमें अपनी एडवांटेज है वो गिना सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेज हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, राइट, क्योंकि इसमें टाइप चेकिंग नहीं होती है मैक्रोज में, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है, तो सिक्योरिटी रिस्क रहता है, लिमिटेड फंक्शनलिटी है इसमें, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू है मैक्रोज में, नॉट बी कॉम्पेटेबल विद ऑल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट। तो ये वाला इश्यू है इसमें, मेंटेनेंस का इश्यू है, तो डिसएडवांटेज आप गिना सकते हो। अभी बात करते हैं हाउ टू राइट योर ऑन हेडर फाइल। अभी अपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया था, अब कैसे लिखते हैं अपना अपना हेडर फाइल, राइट। थोड़ा मैंने बताया आपको कि इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो डॉट एच रहता है, राइट, उसको अपने हेडर फाइल बोलते हैं सी में। और हेडर फाइल जनरली कंटेंट्स डेफिनेशंस ऑफ डेटा टाइप्स, फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड सी प्री प्रोसेसर कमांड्स। जो भी प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं वो हेडर फाइल में अपन लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, डॉट सी में भी लिख सकते हैं, बट हेडर फाइल में जनरली लिखते हैं। वहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप सिग्नेचर्स रहते हैं, राइट। फंक्शन का कभी कभी अगर इनलाइन फंक्शन है, छोटा फंक्शन, उसका डेफिनेशन भी अपन डाल देते हैं, बट डालना नहीं चाहिए, वहाँ पे ओनली प्रोटोटाइप होना चाहिए,
डेटा टाइप्स हैं उसको अपन डिक्लेयर कर सकते हैं हेडर फाइल में। तो इन ये सारे इसके यूज हैं हेडर फाइल के, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए आप। द हेडर फाइल आर नीडेड जनरली व्हाइल राइटिंग लार्ज सी प्रोग्राम। अगर बड़ा सी प्रोग्राम रहता है तो उसका अगर अपने को प्रोटोटाइप उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो अपन ओनली हेडर फाइल ही लिखते हैं, राइट। इसमें मतलब इसको अपन कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं कि पब्लिक हेडर लिख देंगे, अपन प्राइवेट हेडर लिख देंगे, राइट। इंटरनल हेडर जो पब्लिक हेडर है उनको अपन मतलब क्लाइंट को दे सकते हैं और वहाँ से उसको उसके जो भी मतलब जो एक्सपोज्ड फंक्शंस है ना उनके सिग्नेचर उसको मिल जाएंगे और वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। फंक्शंस एंड टाइप डिक्लेरेशंस, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, ये मैंने आपको बताया कि इनलाइन फंक्शन है उनकी डेफिनेशन भी अपन डाल देते हैं अगर छोटे फंक्शन रहते हैं तो। और ये डेटा टाइप के डिक्लेरेशन हुआ, ग्लोबल वेरिएबल हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, राइट। क्लास डिक्लेरेशन हुआ, क्लास तो होता नहीं है सी में, स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हुआ, तो ये सब वहाँ पे अपन हेडर फाइल में डाल सकते हैं, राइट। और हेडर फाइल है उसमें मिनिमम डेटा रहना चाहिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग डेटा नहीं रहना चाहिए, राइट। डोंट पुट फंक्शन डेफिनेशंस, बड़े फंक्शन उनका डेफिनेशन अपने हेडर फाइल में नहीं डालना चाहिए, उसमें ओनली इनलाइन फंक्शन है, छोटे फंक्शन उनका हेडर उसका जो सिग्नेचर है या उसका डेफिनेशन है वो डालना चाहिए, राइट। बड़े फंक्शन का डेफिनेशन वहाँ पे नहीं डालना चाहिए, करेक्ट। इन शॉर्ट वी ओनली पुट व्हाट इज नेसेसरी एंड कीप द हेडर फाइल कंसाइज्ड, राइट। उसमें जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही अपन डालेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेडर फाइल में नहीं डालते हैं, राइट। अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना है अगर बड़ा कोई फंक्शन है तो वो अपन ये जो डॉट सी फाइल है ना उसमें अपन डालते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक अपना फाइल बनाया माई फाइल डॉट सी, राइट, यहाँ पे। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक ये STDIO इंक्लूड किया मैंने। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फाइल है ये, लाइब्रेरी है, राइट। एक ये माई हेडर डॉट एच है, माई हेडर डॉट एच मैंने बनाया, एक हेडर फाइल बनाया अपना और उसको मैंने यहाँ से इंक्लूड किया। ये डबल कोट यहाँ पे लगाया क्योंकि अपना यूजर डिफाइंड फाइल है और इसको मतलब करंट डायरेक्टरी में देखेगा ये इंक्लूड, राइट। वहाँ से इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड में जाएगा, राइट। सो अब ये माई हेडर कहाँ पे, ये यहाँ पे अपना है, राइट, ये वाला है, क्योंकि विंडोज में कैसे सेंसिटिव नहीं रहते हैं तो इसलिए नेम अपन ने यहाँ पे कैपिटल है, वहाँ पे स्मॉल है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है। इसमें मैंने दो फंक्शन ये वेरिएबल लिया, एक यहाँ पे दो फंक्शन मैंने यहाँ पे इनलाइन छोटे फंक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन भी कर दिया, राइट। साथ के साथ ऐड है ये और ये मल्टीप्लाई है, राइट। अब इनका डेफिनेशन डिक्लेरेशन यहाँ पे है, लेकिन इसको अपन कॉल कहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, माई फाइल से। यहाँ पे अपन ने माई फाइल और ऐड दिया और ऐड और ये दिया, राइट। और ये क्या करेगा, डायरेक्ट रिटर्न करेगा 24, मतलब जो भी है 10 करेगा, ये ऐड है तो 10 करेगा, राइट। मल्टीप्लाई है ये 25 रिटर्न करेगा डायरेक्ट। और इसका डेफिनेशन कहाँ पे है, अपना हेडर फाइल में, हेडर फाइल अपन ने यहाँ से इंक्लूड कर लिया। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप एडेड वैल्यू, करेक्ट। तो ऐसा करके अपन दूसरी फाइल से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ऐसे इसको इंक्लूड करते हैं, ऐसे हेडर फाइल बनाते हैं। हेडर फाइल में अपने को एक शुरू में ध्यान रखना पड़ता हैज प्राग्मा वंस, राइट, हैज प्राग्मा वंस या हैज डिफाइंड, उसको डिफाइन करता है, और इफ नॉट डिफाइन करके उसको ब्लॉक बनाते हैं अपन पूरा, करेक्ट। इफ नॉट डिफाइन देन डिफाइन कर दो और वो, राइट। तो इससे क्या होता है कि एक ही बार इंक्लूड होगा, ये बार बार इंक्लूड नहीं होगा एज प्राग्मा वंस से, राइट। सो ये इसका रोल रहता है। तो ये ऐसे अपन हेडर फाइल बनाते हैं, मैंने ये आपको रन करके भी दिखा दिया। अभी बात करते हैं अपन टाइप डेफ वर्सेज हैश डिफाइन की। टाइप डेफ मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि टाइप डेफ क्या होते हैं। अभी यहाँ पे आज हैज डिफाइन इंक्लूड किया, डिफाइन करने के लिए होता है ये। इनमें डिफरेंस क्या रहता है, राइट, कौन सा कब यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे। सो टाइप डेफ इज लिमिटेड टू गिविंग सिम्बोलिक नेम्स। टाइप डेफ में क्या कहता है, अपन ने सिम्बॉल को नाम देते थे, डेटा टाइप को नाम देते थे, राइट। यहाँ पे देखिए टाइप डेफ कैरेक्टर पॉइंटर PTR। अब कैरेक्टर पॉइंटर को अपन डिफाइन किया है एज ए PTR, समझ गया आप, यहाँ पे टाइप है, डेटा टाइप है, लेकिन हैज डिफाइन में ऐसा नहीं है। हैज डिफाइन में अपन किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। सो टाइप डेफ इज लिमिटेड टू गिविंग सिम्बोलिक नेम्स टू टाइप्स ओनली, वेयर एज हैश डिफाइन कैन बी यूज टू डिफाइन एन एलियास फॉर वैल्यूज एज वेल। डेटा टाइप के साथ साथ वैल्यूज कुछ भी मतलब कर सकते हैं हैश डिफाइन के साथ, लेकिन टाइप डेफ के साथ ऐसा नहीं। टाइप डेफ में टाइप्स होना चाहिए, डेटा टाइप्स होना चाहिए, उसी को अपन दूसरा नाम देते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे समझा अपन ने, टाइप डेफ इंटरप्रिटेशन इज परफॉर्म बाय द कंपाइलर। टाइप डेफ का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कंपाइलर करता है, जबकि जो हैश डिफाइन क्या है वो मैक्रो है, मैक्रो का इनका मैक्रो है, मैक्रो मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और इनको कौन एग्जीक्यूट करता है, प्री प्रोसेसर करता है, करेक्ट। वो कंपाइलर करता है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर करता है। हैश डिफाइन शुड नॉट बी टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। हैश डिफाइन के बाद में अपन सेमीकोलन नहीं लगाते, यहाँ पे देखिए आप हैश डिफाइन PTR कैरेक्टर पॉइंटर, राइट।
सो पीटीआर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कैरेक्टर पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा, और इसके बाद में सेमी कोलन नहीं लगाया, लेकिन टाइप डेप के साथ आप देखिए यहाँ पे सेमी कोलन लगा रहे हैं, राइट। एच डिफाइन विल जस्ट कॉपी पेस्ट द डेफिनेशन वैल्यूज। एच डिफाइन में क्या करते हैं, जस्ट इसका जो भी वैल्यू हो गया ना पीटीआर, इसका वैल्यू क्या कैरेक्टर पॉइंट, इसको जस्ट रिप्लेस कर देता है। ये मैंने आपको भी बताया पहले, राइट, कि ये रिप्लेस करता है, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट करता है, इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करता है, इसको कुछ भी इंप्रूव नहीं करता है, राइट। जबकि जो टाइप डेफ है अपना, वाइल द टाइप डेफ इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए न्यू टाइप, राइट। जबकि टाइप डेफ में क्या होता है कि जहां जहां पीटीआर आएगा, मतलब पीटीआर मीन्स कैरेक्टर पॉइंटर है, राइट, ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा। टाइप डेफ फॉलोज द स्कोप रूल्स, टाइप डेफ स्कोप रूल फॉलो करता है कि लोकल किसी ब्लॉक स्कोप में या लोकल स्कोप में तो वहीं तक वो विजिबल रहेगा, राइट, उसको एक्सेसिबल रहेगा। जबकि जो हैश डिफाइन है अपना, वो इसमें स्कोप स्कोप कुछ नहीं रहता है इसमें। देन द न्यू टाइप नेम विल ओनली बी विजिबल टिल द स्कोप इज देयर। इन केस ऑफ हैश डिफाइन, व्हेन द प्री प्रोसेसर एनकाउंटर्स हैश डिफाइन, इट रिप्लेसेस ऑल द ऑकरेंसेस आफ्टर दैट, नो स्कोप रूल इज फॉलोड। इसके बाद में जहां भी पीटीआर आएगा वहां पे कैरेक्टर पॉइंटर्स ने रिप्लेस कर देगा, ये इसमें स्कोप रूल को ये नहीं मानता है, मतलब देखता नहीं है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे आता है, और स्कोप रूल ये सब कंपाइलेशन के टाइम पे आते हैं, करेक्ट। मैं इसका आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक टाइप डेफ लिया, राइट, और टाइप डेफ में कैरेक्टर पॉइंटर है, और उसको मैंने डिफाइन किया पीटीआर, राइट। यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन लिया, राइट, मैक्रो लिया, पीटीआर लिया, पीटीआर को मैंने डिफाइन किया कैरेक्टर पॉइंटर। यहाँ पे तो हैश डिफाइन क्या करेगा, पीटीआर जहाँ जहाँ देखेगा उसको इससे कैरेक्टर पॉइंटर से रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर एक्स वाई जेड हो जाएगा। और पीटीआर क्या करेगा, एक्चुअल डेटा यूज करेगा, ये इसका टाइप यूज करेगा। तो अब ये पीटीआर में क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। सो पीटीआर सेम लागू होगा ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, लेकिन पीटीआर जो है सेकेंड वाला है, कैपिटल पीटीआर है, हैश डिफाइन वाला, राइट, ये क्या करेगा, ये जहाँ जहाँ कैपिटल पीटीआर होगा, राइट, ये वाला होगा, वहां वहां कैरेक्टर पॉइंट रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, इसका मतलब हो जाएगा कैरेक्टर पॉइंटर ये वाला, राइट, ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा ये वाला लाइन, राइट। तो इसमें क्या होगा कि कैरेक्टर पॉइंटर ओनली एक्स है, बाकी वाई और जेड तो नॉर्मल कैरेक्टर वेरिएबल हो गए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो ये वाला होगा ना, इसमें तीनों के लिए सेम यूज होगा, राइट, यहाँ पे जो कैरेक्टर पॉइंटर रहेगा वो इसके लिए भी रहेगा, राइट, इसके लिए भी रहेगा, और ये इसके लिए भी रहेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप है और उसके वेरिएबल बना रहे हैं अपन, करेक्ट, यहाँ पे ऐसा होगा। तब ऐसा होगा तो इसका जो साइज अपन चेक करें, मैं आपको ये रन करके भी दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, सब का साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, सो पॉइंटर का साइज कितना 8 बाइट होगा, और कैरेक्टर का साइज कितना होगा 1 बाइट होगा। सो साइज ऑफ ए कितना होगा, 8 होना चाहिए, राइट, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर है, बी 8 होना चाहिए, सी 8 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड चेक करेंगे अपन, तो क्योंकि यहाँ पे अपन ने मैक्रो का यूज किया है और वो ओनली फर्स्ट के लिए अप्लाई होता है, ऐसे कैसे रिप्लेस करता है, और ये ऐसे हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे पॉइंटर है, राइट, तो एक्स का साइज 8 आएगा, लेकिन वाई और जेड का 1 1 बाइट आना चाहिए, राइट। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ए बी सी और एक्स 8 8 आ रहा है, करेक्ट, लेकिन वाई और जेड 1 आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है। सो ये एक अच्छा एग्जांपल है इसमें डिफरेंस समझने के लिए, टाइप डेफ और मैक्रोज में। टाइप डेफ में टाइप चेक होता है, हैश डिफाइन में टाइप चेक नहीं होता है, इसमें स्कोप रूल लागू होता है, इसमें स्कोप रूल लागू नहीं होता है, ये कंपाइलर करता है टाइप डेफ को एग्जीक्यूट, और जो हैश डिफाइन इसको प्री प्रोसेसर करता है, राइट। ये सारे इसके डिफरेंसेस हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप टाइप डेफ और ये मैक्रोज है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। या थैंक यू।